पटेरिया एडवोकेट, पूर्व सभासद नगर पालिका परिषद। एक ये आपने जो ज्ञापन देना देकर के आप आए हैं चेयरमैन को, तो ये ज्ञापन का क्या मकसद है? उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि भवन कर नियमावली 2024 के लागू होने के क्रम में पालिका प्रशासन के द्वारा भी इस नियमावली को पहुंच नगर में लागू किया जा रहा है। तो इसके तहत एक अमर उजाला दैनिक समाचार पत्र में 11 सितंबर को विज्ञप्ति भी जारी की गई, जिसमें एक माह का लोगों को समय दिया गया था कि अगर इस नियमावली के संदर्भ में अगर आपको कोई आपत्ति या कोई सुझाव अगर देना है तो आप लोग जो है 11 अक्टूबर तक आप उसको सुझाव एवं आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। चूँकि नगर बड़ा है, नगर के लोग अभी समय बाढ़ में परेशान रहे, इसके बाद ये तमाम धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन होते रहे, नगर पालिका के द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार न होने की स्थिति में लोगों को इस नियमावली के बारे में जानकारी नहीं हो पाई। क्योंकि हर व्यक्ति समाचार पत्र नहीं देख पाता है, या देख पाता है तो कई लोग इस तरीके की समाचार को नहीं देख पाए। तो कल इसकी अंतिम तिथि है, तो उसी संदर्भ में चूँकि इस नियमावली के लगने से नगर के प्रत्येक नागरिक के ऊपर कहीं ना कहीं टैक्स जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि सरकार ने जो अपना जो नियम निकाला है वो जो आम रास्ते हैं उन वो कितने मीटर के हैं, उस मीटर के हिसाब से पक्की प्रथम तल पक्का या द्वितीय तल पक्का होने की स्थिति में अलग अलग क्राइटेरिया के तहत जो शासनादेश में दिया गया है उसके हिसाब से टैक्स लगने का प्रावधान किया गया। तो हमारी यही केवल पालिका अध्यक्ष जी से मांग थी कि चूँकि समय कम रहा, लोगों को जानकारी नहीं हो पाई, तो संपूर्ण पहुँच नगर के 2500 वार्ड से नगर के प्रबुद्ध नागरिकों को आप बुलाएं और प्रबुद्ध नागरिकों से इस संदर्भ में पहले तो पालिका इस नियमावली के बारे में विस्तृत तौर पर गहनता से लोगों को समझाए और इसके बाद उनके सुझाव मांगे, और उस सुझाव के बाद जो भी समुचित नगरवासियों के हित में हो, जिससे नगर के लोग प्रभावित ना हो, नगर के ऊपर एक नगर के लोगों के ऊपर कोई अधिक टैक्स ना लग पाए और ऐसा कोई कार्य ना हो, तो हमारी यही मांग थी कि सभी लोगों को बुला के सभी को मतलब समुचित जो फीडबैक उनका आए उसके बाद ही कोई नियमावली को लागू करें। ये जो विज्ञप्ति का आपने जिक्र किया है तो ये किस डेट में निकली, क्या इतना लोग जागरूक हैं कि वो विज्ञप्ति को उनकी देख पाए हों? मुझे दो दिन पहले मुझे जानकारी हुई है 11 सितंबर। अब आपके जैसे जब पढ़े लिखे लोगों को दो दिन पहले जानकारी हो रही है, तो अब आप ऐसे बताइएगा कि नगर में क्या इतने लोग हैं ऐसे जो जानकारियां मिल गई होंगी लोगों को? 11 सितंबर को ये अमर उजाला दैनिक समाचार पत्र में ये विज्ञप्ति अधिशासी अधिकारी के द्वारा निकाली गई, जिसमें एक माह का समय दिया गया, 11 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि है। चूँकि अभी बाढ़ की भीमत्स का यहाँ बहुत रही है तो लोग वहाँ थोड़ा सा परेशान रहे, इसके बाद हमारे यहाँ नवदुर्गा रामलीला जैसे धार्मिक आयोजन के कार्यक्रम होते रहे तो लोग वहाँ व्यस्त रहे, तो कहीं ना कहीं नगर पालिका के प्रचार प्रसार के अभाव में इसकी जानकारी लोगों को नहीं हो पाई है। और रही बात यह है कि इतनी बड़ी नियमावली नगर के अंदर जब लागू हो रही है, जिससे नगर के प्रत्येक नागरिक के अधिकार का मामला है और प्रत्येक नागरिक उससे जुड़ा हुआ है, तो हमारा तो ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो है पालिका अध्यक्ष पालिका प्रशासन को संपूर्ण नगर की प्रबुद्ध जनता को बुलाना चाहिए और जनता को पहले इस नियमावली के बारे में बताना चाहिए, और इस नियमावली के बताने के बाद जो भी जनता के उचित समुचित अच्छे सुझाव आएँ उन सुझाव को मानते हुए नगर में कोई ऐसे कर ना थोपा जाए जो नगर की जनता बहन ना कर पाए। क्या आपको पता है कि कितना कर लग सकता है एक प्रति एक मकान पर? अब हमारा अभी तो ये पूरे समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन चूंकि जो अभी गजट निकला है अमर उजाला में, उसमें जो आम रास्ते हैं जो रहने वाले बासिंदा हैं उनके मकान के आगे जो रास्ताएं दी हैं कि जैसे उन्होंने लिखा कि 9 मीटर तक के रोड पर किराए का अलग मतलब जो है कि वो निर्धारण होगा, 9 मीटर के ऊपर का अलग होगा, 12 मीटर के ऊपर का अलग होगा, 24 मीटर तक का अलग होगा, 24 मीटर के ऊपर जो रोड है उनका अलग निर्धारण किया जाएगा। ये उसमें दिया है कि कितना होगा? नहीं, ये नहीं दिया, उसका एक मानक उन्होंने तय किया है कि इस तरीके से हम जो है टैक्स का निर्धारण करेंगे, और जिस जनता को जिनको इस पर आपत्ति हो और इस पर जो सुझाव है उसके लिए ये विज्ञप्ति जारी की गई। चूँकि
पहुंच नगर एक छोटा सा कस्बा है बुंदेलखंड का। अब जब इसमें स्क्वायर फीट का कोई रेट नहीं दिया गया है कि कितने रुपए स्क्वायर फीट लगेगा या कुछ होगा, तो ऐसे लोगों को फिर क्या पता चलेगा कि हमारे एक मकान में मान लीजिएगा 15x15 का एक हमारा रूम है, अब हमको एक साल का कितना टैक्स नगर पालिका को अदा करना होगा, तो ये इसके बारे में कोई जानकारियाँ? इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, इसी बाबत तो हम लोगों को जब दो दिन पहले जानकारी हुई, कल इसकी अंतिम तिथि है, तो हमारा यही तो हम लोगों ने एक 5 बिंदुओं का एक जो है आपत्ति दर्ज कराई और एक सुझाव भी दिया है कि लोगों को इसके नियमावली को लागू करने से पहले पालिका प्रशासन को नगर की प्रबुद्ध जनता को बुलाकर बैठाल कर आपस में संवाद कर कहीं ना कहीं पहले ये बताना चाहिए किसी कोई एकाध ऐसी मीटिंग हुई है क्या? अभी लोगों को ये पता ही नहीं है, अभी तक हमारी यहाँ तक जानकारी है, शायद ही अभी आज लगभग जो है कल 5 बजे तक अंतिम दिन है, संभवतः हमारे समझ से शायद ही एक दर्जन आपत्ति इस पूरे संपूर्ण नगर से पहुंची हो। क्या कुछ यहाँ पे अपने कोच नगर में 25 सभासद है, क्या 25 सभासदों को जानकारी है इस चीज की? अब ये तो हमको नहीं पता है कि सभासदों को क्या जानकारी है क्या जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं से ये जानकारी हुई तो मुझे लगा कि ये नगर के हित का मामला है, नगर के प्रत्येक नागरिक के अधिकार का मामला है, और मैं कहीं ना कहीं पालिका अध्यक्ष जी से यही आग्रह करना चाहता हूं कि पहले आप इस जनता को से के बीच में आके इस पूरी नियमावली के बारे में बताइए, और नियमावली के बाद जनता के जो अच्छे से अच्छे सुझाव हों उन सुझावों को इसमें सम्मिलित करते हुए जनता को कहीं ना कहीं राहत प्रदान करें। तो ये थे हमारे अनिल पटेरिया एडवोकेट पूर्व सभासद, जिन्होंने किसी तरह से उनको जानकारी मिली, जानकारी मिलने के बाद अब आज 10 तारीख है और कल 11 तारीख है और कल 11 तारीख आखिरी डेट है, 11 अक्टूबर यानी कि आखिरी डेट है, अब इतने जल्दी नगर के लोग सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नीश और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।